हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे कंपनी शासन का जो पहला एक्ट था भारत में, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये कंपनी का पहला एक्ट था। तो मतलब इस वीडियो में हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व और विशेषता जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपको टॉपिक दिख रहा होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी ये 1773 में भारत में कंपनी शासन को मजबूत करने के लिए एक्ट लाया गया था और इस एक्ट को कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए महत्व शुरू करते हैं कि ये महत्व क्या है। तो अगर बात करें कि जो ये क्या था, ये कंपनी का पहला एक्ट था। कंपनी का पहला एक्ट था, ठीक है। अगर दूसरा बात करें, ठीक है, तो मतलब इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, कंपनी शासन को नियंत्रित एवं मजबूत किया गया। अगर तीसरा बात करें, ठीक है, तो इसके द्वारा क्या हुआ, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन शुरू हुआ। किसके द्वारा? इसी एक्ट के द्वारा। तो मतलब कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये कंपनी का पहला एक्ट था और कंपनी शासन को नियंत्रित और मजबूत किया गया और केंद्रीय प्रशासन का शुरुआत होने लगा। साथ ही अब कंपनी शासन का क्या हुआ, राजनीतिक एवं प्रशासनिक मान्यता मिल गया। क्या मिला? प्रशासनिक मान्यता मिल गया। तो मतलब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये हमारे लिए महत्व इसीलिए है क्योंकि ये कंपनी का पहला एक्ट था। कंपनी शासन को नियंत्रित और मजबूत किया गया और भारत में केंद्रीय प्रशासन का शुरुआत हुआ और साथ ही राजनीतिक और प्रशासनिक मान्यता मिलने लगा। कब? कंपनी शासन को। तो ये क्या था, महत्व था। अब शुरुआत करते हैं इसकी विशेषता पे, यानी फीचर्स। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब बात कर रहे हैं विशेषता का, तो पांच विशेषता बात करेंगे। तो देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि जो बंगाल में जो गवर्नर था, बंगाल में क्या था, एक गवर्नर था, ठीक है। बंगाल में क्या, बंगाल में कंपनी शासन को मजबूत करने के लिए एक बंगाल में गवर्नर था, ठीक है। अब क्या हुआ, इस बंगाल के गवर्नर को अब कहा जाने लगा बंगाल गवर्नर जनरल, ठीक है। यानी इस एक्ट के द्वारा एक नया पद को सृजित किया गया, कहा गया बंगाल गवर्नर जनरल, यानी अब से नया नाम होगा, उसका नाम होगा बंगाल गवर्नर जनरल पद, ठीक है। और इसके मदद के लिए क्या हुआ, एक कार्यकारी परिषद बनाया गया, ठीक है। साथ ही इस कार्यकारी परिषद में मेंबर कितना था, 3 सदस्य था। जरा सोचिए आप, क्या हुआ, एक तरह से कंपनी शासन को मजबूत किया जा रहा है क्योंकि अब बंगाल का गवर्नर उसे कहा गया बंगाल गवर्नर जनरल कहा गया और उसके मदद के लिए एक कार्यकारी परिषद बनाया गया और उसका मेंबर कितना था, 3 सदस्य था। देख रहे हैं कंपनी शासन को कैसे मजबूत किया जा रहा है, समझ की बात कही। और सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, कि भारत में क्या था, 3 प्रेसिडेंसी था, जिसमें नाम लिख रहे हैं बंगाल, मद्रास एंड बम्बई। आपका है मुंबई, आपका है, ये 3 इंडिया में क्या था, कंपनी का 3 प्रेसिडेंसी था, ठीक है, जहां से एक तरह से हेडक्वार्टर, जहां से शासन किया जाता था, ठीक है। तो पहले क्या था, तीनों में अलग अलग गवर्नर हुआ करता था, ठीक है, बात कर रहे हैं इससे पहले का। लेकिन अब क्या हुआ, बोला कि जो बंगाल का गवर्नर होगा अब क्या होगा, मद्रास का भी और बंबई का गवर्नर होगा। मतलब नहीं समझे, मतलब बोल रहा है कि बंबई और मद्रास में जो गवर्नर था उस पद को विलय कर दिया गया। कहां? बंगाल में। यानी अब मद्रास और बंबई में कोई भी पर्सनल गवर्नर नहीं होगा, जो बंगाल का गवर्नर होगा वही मद्रास और बंबई में शासन करेगा। बस समझ रहे ना आप, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। यानी अब तीसरा फीचर क्या बोल रहा है, कि जो बंगाल मतलब कलकत्ता में, कलकत्ता में क्या हुआ,
एक उच्चतम न्यायालय बनाया गया। उच्चतम न्यायालय बनाया गया तब कब 1774 को। साथ ही अब क्या हुआ, कोर्ट तो बन गया, तो इसमें क्या 1+3 क्या मतलब, 1 मतलब एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 क्या होगा अन्यायाधीश होगा, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और प्लस 3 अन्यायाधीश किसके द्वारा, सब रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया। इसके बाद 4 पॉइंट क्या बोलता है, तो 4 पॉइंट बोलता है कि भारत में जो कंपनी का कर्मचारी था, कंपनी का कर्मचारी आप क्या करेगा, वह निजी व्यापार नहीं कर सकता है, निजी व्यापार का प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही क्या बोला गया, अब वह उपहार एंड रिश्वत, यानी कंपनी का कर्मचारी निजी व्यापार प्रतिबंध कर दिया गया, यानी कोई भी कंपनी का व्यक्ति निजी व्यापार नहीं कर सकता है, अब किसी से ना उपहार ना रिश्वत ले सकता है, यानी कंपनी पूरा कर्मचारी पे कंट्रोल करना चाहता है। ये हो गया। अब है लास्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए 5 पॉइंट क्या बोल रहा है, 5 पॉइंट बोल रहा है कि जो कंपनी में क्या हुआ है, एक डायरेक्टर पद का बनाया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या था, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में क्या था कि जो कंपनी का शासन था, तो ब्रिटिश इसको अपने कंट्रोल में लेना चाहता था, यानी कंपनी मनमानी नहीं करे, इसके लिए का एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। अब इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में क्या था कि बोला कि जो कंपनी है वह सैन्य मामले, लिख रहे हम सैन्य मामले, ठीक है, नागरिक मामले एंड राजस्व मामले यानी टैक्स, यानी जो कंपनी होगा कंपनी को कंट्रोल करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, और इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में क्या हुआ, कंपनी को सैनिक मामले यानी सैन्य मामले, नागरिक मामले और राजस्व मामले क्या हुआ, अब उसे एक रिपोर्ट देना पड़ेगा किस प्रकार हम भारत में शासन कर रहे हैं, यानी अब कंपनी भी क्या हुआ सरकार यानी ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में हुआ, क्योंकि मेन चीज तो बोल दिया सैन्य मामले, नागरिक मामले और राजस्व मामले, तो हमको रिपोर्ट देखते रहना, इससे हमको पता चल सके कंपनी भारत में कहीं मनमानी तो नहीं कर रहा है। तो ये क्या दोस्तों, ये क्या था दोस्तों, ये था रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें हमने महत्व एंड विशेषता के बारे में डिस्कस किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।